पते न तुदे तान्यो विश्वा जातान परिताव रूप इक्का वास्ते जहु मस्तन्नो श्याम पतेयो तो तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तुही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तू ही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना सर्वोपरि विभव सजाया है धन दौलत धीर नहीं रणधीर नहीं गुणवान नहीं धनवान न ज्यादा जानत मैं सुरताल नहीं लगी संबंध नहीं कुछ आता लेखक ना संपादक हूँ राष्ट्र विधायक ना जगत्राता जो उद्गार उगे मन में ये जग में विखराता। अबे अभी तक यज्ञ जो यज्ञ का कार्य समाप्त हुआ इससे तीन चीजें मिलती है देवता जो कि ना तो देव पूजा नंबर दो संगति करो अबे रखो तो संगति सब लोग संग मिलके अपन एक काम जो संगति करो हो तीसरे हो दान। अब कहते हैं दान एक या हवन दान कैसे होते दो चीजें हम जामे जलाई है वे दान ही दूसरे के लिए पहुंची जिनमें हमारा कोई स्वार्थ ना रहो। अरे अब मत दो हमें स्वार्थ जलाई थी क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से दान कर रहे हैं इसलिए दान हो रहा है। तो तीन चीजें हम शामिल होती हैं नंबर एक देव पूजा नंबर दो संगतीगढ़ नंबर तीन दान सीधे बढ़े तो ये तीन चीजें होती है। ऐसे ही जब आचार्य जी ने जनेऊ धारण करवाओ जनेऊ इसमें धारण करते हैं कि जहाँ में तीन धागा हो ये तीन धागा और तीन लेड़ो तो ये लेड़ो कर्ज हो माता पिता को आचार्य जी जो इनके हम कर्ज के लिए उद्धार करते हैं उनकी याद दिलवाने के लिए तो इसलिए जो है हम तीन धागा जो है।